मैंने इसके पहले काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुकी हैं और काफ़ी सारे मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं अभी तक। और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, और कल के वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन प्रकार के टेंस होते हैं। और प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और ऐसे पास्ट के भी चार प्रकार होते हैं और ऐसे फ्यूचर के भी चार प्रकार होते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस प्रकार के होते हैं और कैसे हम उनको समझ सकते हैं और किस तरीके से हम उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, उसके ट्रांसलेशन किस तरीके से कर पाएंगे, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके पहचान क्या होते हैं, उसमें क्रिया क्या लगाई जाती है, सारा कुछ इसमें मैं कवर करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप सारी वीडियोज़ को अभी तक देखते हैं तो यहाँ से देखिए, अगर आप सारी वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखे हैं तो सारी वीडियो को देखिए, भले ही आपको टाइम लगेगा, तभी आपका जो है सारा चीज़ बेसिक से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले मेरा जो चैनल है वो वनली इंग्लिश है, तो स्वागत है आपका वनली इंग्लिश चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि मैं बात करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता क्या है, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, ठीक है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान होता है। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित काल, अनिश्चित, जो कि चीज़ें अनिश्चित हों उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट की जो हिंदी होती है वो होती है अनिश्चित। और टेंस मीन्स होता है काल, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, तो वर्तमान अनिश्चित काल ऐसे हम कह सकते हैं इसको। तो वर्तमान काल में जो अनिश्चित चीज़ें होती हैं, जो कि अनिश्चित नहीं होती हैं, जैसे वह जाता है, वह जाता तो है, वर्तमान में आ रहा है कि वह जाता है, लेकिन कब जाता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये कुछ भी नहीं पता है आपको। यानी कि वो चीज़ें जो है अनिश्चित हैं, वर्तमान में तो हैं लेकिन अनिश्चित हैं। तो वर्तमान में जो चीज़ आपको अनिश्चित लगे उसको हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ये आप सीधा सीधा जानिए। तो इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं आपको ये पता चल चुका है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि लास्ट के वर्ड में, ठीक है, ता है, ते है, ती है, जो लास्ट में आएगा वर्ड उसमें ता, ते, ती आएगा, ठीक है। जैसे वह जाता है, वे खेलते हैं, वह वहाँ नहाता है, हम आम खाते हैं, ठीक है, इस टाइप से आएगा। यानी कि ता, ते, ती है, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, इस टाइप के वाक्य आएंगे। और उसको आप समझ जाना है आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि गो मीन्स होता है जाना। मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ गो का, गो से ही आपको समझाता चलूँगा, ठीक है, गो मीन्स होता है जाना। चलिए आगे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस वाक्य के अंत में ओ एक्स एच एस आता है, ठीक है, उसमें लास्ट में ई एस लगता है, क्या करने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए। अभी तक आपको मैंने बताया था कि ओ एक्स एच एस जो लगता है किसी वाक्य के अंत में वो बहुवचन बनाने के लिए लगता है, यानी कि प्लूरल के लिए लगता है। अगर किसी वाक्य में आपको प्लूरल बनाना है तो वहाँ पर आपको कोई वर्ड है जैसे, तो वहाँ पर आपको ई, जैसे वे संदूक, तो दोज बॉक्सेस, ठीक है, इस टाइप से हो जाता था। बी ओ एक्स, तो बी ओ एक्स ई एस, वे संदूक है तो बॉक्सेस होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वे संदूक जो है एक से ज़्यादा है, ठीक है, इस टाइप से होता था। तो अभी तक बहुवचन के लिए आपको यस लगाना पड़ता था, लेकिन अब बहुवचन के लिए आपको यस नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक वचन के लिए यानी कि सिंगुलर बनाने के लिए वाक्य को यस या ई एस का प्रयोग करना पड़ेगा। किस में यस लगाना पड़ेगा, जिस वाक्य में ओ एक्स एच एस आए, ठीक है, जिस वाक्य में ओ एक्स एच एस आए उसके लास्ट में आपको यस जोड़ना है, उससे वाक्य बनेगा क्या, सिंगुलर बनेगा, यानी कि एक वचन हो जाएगा। जैसे प्लूरल में किस तरीके से होता है, गो, ठीक है, जैसे गो, वे जाते हैं दे गो, वह जाता है तो ही गोज, जो दे होता है वो होता है बहुवचन। मैंने पहले जो वीडियोज बनाई हैं उसमें मैं बता चुका हूँ कि कौन सी चीज़ें बहुवचन होती हैं, कौन सी चीज़ें एक वचन होती हैं, कौन सी चीज़ें जो है प्लूरल या सिंगुलर, किस में कौन सी चीज़ें आती हैं, वो सब सारा कुछ मैं पहले वाली वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, देखिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो पुरानी वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना, तभी जो है सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी। तो गो लगाएंगे आप प्लूरल के लिए और गोज कर देंगे सिंगुलर के लिए, जी ओ ई एस, ठीक है। यहाँ पे जी ओ के बाद ई एस क्यों आया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जिस वाक्य के लास्ट में ओ आए, इस वाक्य के लास्ट में क्या आया है गो के, जी ओ,
तो ओ आया है तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, ठीक है ना। मैंने अभी क्लियर किया है। जिस वाक्य अंत में यच आए उसमें भी आपको यस, जिस वाक्य अंत में एस एक्स आए उसमें भी आपको यस, फिक्स का फिक्सस, कैच का कैचेस, ठीक है। जिस वाक्य अंत में ओ एक्स एच एस आए उसी में आपको यस लगाना है। ओ एक्स एच एस नहीं आता तो आपको सिंगुलर बनाने के लिए केवल एस लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे, जैसे रन, इसमें यस नहीं है, ओ एक्स एच एस नहीं है, इसमें एन है, एन है, इसमें के है, तो यहाँ पे केवल यस लगा, ठीक है ना। यस मैंने बताया कि ओ एक्स एच एस में यस लगाना है आपको एक वचन बनाने के लिए, यानी सिंगुलर बनाने के लिए। अगर ओ एक्स एच एस नहीं है, वहाँ पे ता है, ते है, ती है का अर्थ आपको निकालना है, तो आपको केवल एस लगाना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने बताया अन्य सिर्फ में एस लगाकर, ओ एक्स एच एस में यस लगाकर, अन्य सभी में यस लगाकर सिंगुलर बन जाता है वाक्य, और उसमें ता ते ती का अर्थ आने लगता है। जैसे मैं अब एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये मैं आपको ओवरव्यू बता दिया, अब मैं चलता हूँ आपको एग्जाम्पल पे लेके, ठीक है ना। इसके आगे वाली वीडियो जो मैं निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस का, वो सब सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझ के तभी चलिएगा, ठीक है। ता तेती आता है, गो मीन्स जाना होता है, मैंने बताया सिंगुलर प्लूरल किस तरीके से होते हैं, जो गो जो होता है वो बहुवचन में प्रयोग होता है, और सिंगुलर बनाने के लिए यस उसमें लगा देते हैं, वो एक्स एच एस आता है वाक्य में तो, और वो एक्स एच एस नहीं आता तो केवल आपको यस लगाना होता है। चलिए एग्जाम्पल, राधा छत पर सोती है, कौन, राधा, क्या करती है, सोती है, कहाँ, छत पर। तो मैंने आपको बताया है कि एक वचन हो तो वाक्य में केवल एस या यस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा आगे कि अगर बहुवचन होगा तो यहाँ पे वाक्य में कुछ नहीं प्रयोग होगा, ना तो यस लगेगा ना तो यस लगेगा। यहाँ पे आपको वाक्य में क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला राधा, जो है राधा अकेली है, ठीक है, राधा छत पर सोती है, तो राधा स्लीप, तो स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीप्स हो जाएगा। क्यों स्लीप्स हुआ, क्योंकि राधा है, अकेली जो चीज़ें होती हैं, मैंने बताया है कि अकेला का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर बनाने के लिए किसी वाक्य को यस या यस लगाना होता है आपको, ठीक है, वाक्य में। इसमें यहाँ पे यस क्यों लगा, क्योंकि लास्ट में यस एल डबल ई पी है, पी लास्ट में वाक्य के क्या है, पी है। किसी स्पेलिंग के लास्ट में अगर पी सॉरी ओ एक्स एच एस के सिवाय कुछ और आता है तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, पी। ओ एक्स एच एस के सिवाय अगर कुछ और आता है तो वहाँ पे आपको केवल एस लगाना होता है, तो यहाँ पे पी आया है जो कि ओ एक्स एच एस के सिवाय है, ठीक है, उससे अलग है। ओ एक्स एच एस आएगा तो यहाँ पे एस लग गया होता, ठीक है। आगे वो भी एग्जाम्पल्स है, मैं वो भी बताता चलूँगा आपको। तो ओ एक्स एच एस नहीं आया तो इसमें हमने क्या लगाया, केवल एस लगाया, ठीक है। तो क्या लगाया इसमें, यस एल डबल ई पी एस, ठीक है। कहाँ पे सोती है, छत पर, तो ऑन द रूफ। मैंने द क्यों लगाया यहाँ पे, ये भी बता देता हूँ, जो छत है वो चीज़ें जो है निश्चित हैं। आप ये जानिए कि द उस चीज़ के आगे लगता है जो चीज़ें निश्चित होती हैं, जैसे जैसे सड़क हो गया, छत हो गया, आप कुछ भी समझ सकते, कोई इमारत हो गई, कोई बड़ा सा घर हो गया जो कि वहाँ से कभी हटने वाला नहीं है, जो चीज़ें अपने ही स्थान पे हमेशा फिक्स रहती हैं, जो चीज़ें निश्चित होती हैं उसके आगे हम लगाते हैं द, ठीक है ना। तो द किसके आगे लगाते हैं, जो चीज़ें फिक्स होती हैं, जो चीज़ें निश्चित होती हैं। तो यहाँ पे जो छत है वो निश्चित है, वो तो अपने स्थान से हटेगा नहीं, छत, ठीक है ना। तो इसके सामने मैंने इसके पहले क्या लगाया, द, ऑन द रूफ, तो राधा स्लीप्स ऑन द रूफ। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, शेर जंगल में दहाड़ता है, लायन, यह भी एक वचन है, तो यहाँ पे रोड्स हो गया, लायन रोड्स इन द फॉरेस्ट, जो जंगल है वो भी निश्चित है, तो इसके आगे द लग गया, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, लायन रोड्स, रोड मीन्स होता है दहाड़ ना, तो रोड्स हो गया क्योंकि लायन अकेला है, तो रोड्स इन द फॉरेस्ट हो गया। द क्यों लगा, क्योंकि जंगल निश्चित है, ठीक है। चलिए, वे यहाँ रुकते हैं, कौन, वे, क्या करते हैं, रुकते हैं, कहाँ, यहाँ, तो दे स्टे, स्टे मीन्स होता है रुकना, जैसे वह यहाँ रुकता है तो ही स्टेज हियर हो जाता, वे यहाँ रुकते हैं तो दे स्टे हियर। मैंने बताया है आपको कि अगर वाक्य को, वाक्य आपको क्या लगे, बहुवचन यानी कि प्लूरल लगे, आपको एक से ज़्यादा जहाँ पे लगे, जैसे कि वे यहाँ रुकते हैं यानी कि वे एक से ज़्यादा हैं, ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा जहाँ पे हैं तो वहाँ जो उसकी क्रिया होगी, जैसे उसकी क्रिया क्या है, वो कर क्या रहा है यहाँ पे, वो यहाँ क्या कर रहा है, रुक रहा है, ठीक है ना। तो वे यहाँ रुकते हैं तो दो स्टे, दे स्टे, ठीक है ना, दे स्टे हियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दे है वो बहुवचन है। अगर दे बहुवचन नहीं होता तो यहाँ पे केवल दे, जैसे कि वह यहाँ रुकता है तो ही स्टेज हियर हो जाता, ठीक है।
ये मैं काफ़ी बार बता रहा हूँ, तो इसको आप समझ के थोड़ा चलिएगा तभी वाक्यों को कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। और अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है चीज़ें तो आप मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को शुरू से देखिए, तो आपको चीज़ें जो है ज़्यादा समझ में आएंगी। चलिए वे यहाँ रुकते हैं, तो दे स्टे हियर। चलिए यहाँ का जो स्पेलिंग होता है वो हियर होता है। वह कार चलाता है, वह कार चलाता है, वह क्या करता है, चलाता है क्या कार, वह चलाता है क्या कार। तो ही ड्राइव मीन्स होता है चलाना, तो ही है, तो यहाँ पे ड्राइव्स हो गया। यहाँ पे केवल यस क्यों लगा, डी आर आई वी ई होती है स्पेलिंग ड्राइव की। ड्राइव मीन्स होता है किसी चीज़ को चलाना, ठीक है ना। आपने सुना होगा ड्राइवर, तो ड्राइव से ही ड्राइवर मिल बना है, ठीक है ना, ड्राइव से मिलके ड्राइवर बना है। तो ड्राइव कार, ही ड्राइव्स कार हो जाएगा, यहाँ पे वह है इसलिए यहाँ पे ड्राइव्स हो गया, ठीक है, ड्राइव्स कार हो गया। चलिए राधा उस नदी में नहाती है, कौन, राधा, सॉरी यहाँ पे जो राधा की स्पेलिंग हो आर ए डी एच ए होगी, यहाँ पे एस हो गया, तो राधा बाथ, जो बाथ की स्पेलिंग होती है वो बी ए टी एच ई होती है। आपने सुना होगा शायद कि बी ए टी एच होती है, लेकिन जो बाथ की स्पेलिंग होती है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो बी ए टी एच ई होती है बाथ की स्पेलिंग, ठीक है ना, लास्ट में ई भी होता है, तभी आप वैसे पढ़ेंगे तो उसको बाथ ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन बाथ ही आपको लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना है बाथ, ठीक है। तो बाथ मीन्स होता है नहाना, जिसकी स्पेलिंग बी ए टी एच ई होती है। तो हाँ, तो चलिए बाथ का बाथेस हो गया, राधा उस नदी में नहाती है, तो राधा बाथ्स इन दैट रिवर, उस नदी में, ये पूरा क्या है वाक्यांश, उस नदी में, इन दैट रिवर, मैं वाक्यांश की वीडियोज बना चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ें इसमें आगे पीछे होती हैं, किस तरीके से वाक्यांश को हल किया जाता है। गाय दूध देती है, कौन, गाय देती है क्या दूध, जो गाय है वो अकेली है, ठीक है ना, तो यहाँ पे काउ मीन्स होता है गाय, और देना, जो गाय अकेली है, तो यहाँ पे ग्यू, तो जी आई वी ई होती है ग्यू की मीनिंग। तो मैंने बताया है कि ओ एक्स सच्चे शायद तभी आपको यस लगाना है, यहाँ पे तो पहले से यस है ना, यहाँ पे तो पहले से ई है, तो यहाँ पे केवल आपको यस लगा देना है, ठीक है ना, ओ एक्स सच्चे शायद तो ई यस, अन्य सब में यस, तो ये अन्य में आ गया, ई जो है ये दूसरे में आता है, ठीक है, ओ एक्स सच्चे के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को एकवचन बनाने के लिए क्या लगाएंगे, केवल यस लगाएंगे। अगर बहुवचन बनाना हो, सॉरी एकवचन बनाना हो, ओ एक्स सच्चे आए तो वहाँ पे यस, अगर ओ ओ एक्स सच्चे नहीं आए, अगर एकवचन बनाना है तो वहाँ पे केवल एस, तो यहाँ पे क्या है एस केवल, काउ ग्योज मिल्क। चलिए कुत्ते भौंकते हैं, डॉग बार्क्स, कौन, कुत्ते। यहाँ पे अगर मैं जिस तरीके से ये हिंदी लिखा हूँ तो कुत्ते भौंकते हैं यानी कि डॉग्स हो जाएगा, ठीक है ना, डॉग्स बार्क, अगर कुत्ता भौंकता है ऐसे होता तो यहाँ पे डॉग बार्क्स हो जाता, ठीक है, कुत्ते भौंकते हैं यानी कि डॉग्स बार्क, यहाँ पे यस हो जाएगा तब, ठीक है ना, यहाँ पे डॉग्स, यहाँ पे बार्क होगा, बार्क्स नहीं होगा, क्योंकि कुत्ते हैं एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे यस या यस का हमको प्रयोग नहीं करना है। बहुवचन में यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, बहुवचन यानी कि प्लूरल, प्लूरल में केवल वैसे ही मीनिंग होती है, कैच, गो, फेक्स, सिंगुलर में यस या यस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जो प्लूरल होता है उसमें केवल रन, वॉक, और सिंगुलर में रन्स, वॉक्स, इस टाइप से, ठीक है। चलिए सातवां एग्जाम्पल और आठवां एग्जाम्पल है, वह यहाँ दौड़ता है, वह यहाँ दौड़ता है, कौन, वह दौड़ता है कहाँ, यहाँ, वह क्या करता है, दौड़ता है कहाँ, यहाँ, ही रन्स, रन होती है स्पेलिंग दौड़ने की, तो मैंने कर दिया क्या इसको रन्स, रन्स क्यों किया, क्योंकि वह है, वह जो है सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे रन्स कर दिया, ठीक है ना, ही रन्स हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ, और देयर मीन्स होता है वहाँ, और दियर मीन्स होता है उनका, उनके, उनकी, टी एच ई आई आर, ठीक है, टी एच ई आई आर, दियर मीन्स उनका, टी एच ई आर ई देयर मीन्स वहाँ, एच ई आर ई हियर मीन्स यहाँ। चलिए वह आदमी झूठ बोलता है, कौन, वह आदमी क्या करता है, वह आदमी बोलता है क्या झूठ, वह आदमी पहले बोलता है फिर तो झूठ है ना, वह आदमी बोलता है झूठ, तो दैट मैन टेल्स लाई, लाई मीन्स होता है झूठ, झूठ बोलना यानी कि टेल्स लाई, ठीक है। चलिए वह आदमी जो है अकेला है इसलिए यहाँ पे टेल्स हुआ है। हम नहर पर दौड़ते हैं, वी रन, जो हम हैं वो, जो हम होता है वो बहुवचन में आता है, ठीक है ना, तो हम नहर पर दौड़ते हैं यानी कि हम उसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग नहर पर दौड़ते हैं, इसमें जो चीज़ें होती हैं वो बहुवचन में आती हैं, इसलिए यहाँ पे केवल रन हुआ है, ठीक है ना, ये आप सिंपल सा जानिए कि जो वी होता है वो प्लूरल होता है।
तो वी प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे केवल रन हुआ, रन्स, और यस यस इसमें प्रयोग नहीं हुआ, केवल रन ही लिखा गया। तो वी रन ऑन द रोड, ऑन द कैनाल, कैनाल कैनाल मीन्स होते ही नहर, नहर तो आपको पता ही होगा। चलिए, गाय घास चरती है, कौन गाय चरती है क्या घास, काउ ग्रेजेज, ग्रेज मीन्स होता है चरना, GRZD, जो काऊ है वो तो अकेली है, तो गाय चरती है तो काऊ ग्रेजेज हो गया, GRZD, यस ठीक है ना, ग्रेजेज, ग्रास, ग्रास, ग्रास मीन्स होता है घास, ठीक है ना। चलिए, लड़के उस मैदान में खेलते हैं, कौन लड़के क्या करते हैं, खेलते हैं कहाँ उस मैदान में, तो बॉयज, बॉयज लड़के एक से ज़्यादा हैं। आपको ये मैंने बता दिया है कि जो प्लूरल होता है उसमें वैसे ही मीनिंग लिखी जाती है, सिंगुलर बनाने के लिए आपको यस या यस का प्रयोग करना होता है, यस का प्रयोग आप वहाँ करेंगे जिस वाक्य के लास्ट में ओ एक्स एच एस आए, और यस का प्रयोग आप वहाँ पे करेंगे जिस वाक्य के अंत में ओ एक्स एच एस नहीं आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉय है, तो यहाँ पे आपको ना तो यस प्रयोग करना है ना तो यस प्रयोग करना है, केवल आपको खेलने की मीनिंग लिखती नहीं, केवल प्ले, ठीक है। तो बॉयज़ प्ले इन द इन दैट फील्ड, उस मैदान में, तो इन इन दैट फील्ड हो जाएगा। चलिए, श्याम गीत गाता है, कौन श्याम गाता है क्या गीत, श्याम सिंग्स सॉन्ग, जो श्याम है वो क्या करता है गीत गाता है, तो श्याम सिंग्स सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। श्याम गाता है, सिंग मीन्स होता है गाना, ठीक है ना, सिंग मीन्स होता है गाना, और गीत जो यानी कि गाना, दोनों चीज़ें होता है, गाना गाना, ठीक है ना। तो जो गाने का नाम होता है उसको हम कहते हैं सॉन्ग, और जो गाया जाता है उसको हम कहते हैं सिंग, यानी कि जो हम काम करते हैं गाने का उसको हम सिंग कहते हैं, सिंग्स हो जाएगा यहाँ पे तो, और जो चीज़ें जो गाना होता है उसको हम कहते हैं सॉन्ग, ठीक है। चलिए, तो श्याम गीत गाता है तो श्याम सिंग्स सॉन्ग। चलिए आगे, लड़के हंसते हैं, कौन लड़के क्या करते हैं, हंसते हैं, तो लड़के का मैंने आपको बताया है कि बॉय का बॉयज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लड़के हैं, लड़के का मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं तो यानी कि यहाँ पे बहुवचन होगा ना, तो बहुवचन में मैंने आपको बताया है कि केवल वैसी स्पेलिंग लिखी जाती है, लाफ मीन्स हंसना होता है, तो यहाँ पे केवल आपको लाफ कर देना है, ठीक है, LAUGH, तो बॉयज लाफ, लड़का हंसता है तो बॉयज लाफ्स हो जाता है, LAUGH ES हो जाता है यहाँ पे लास्ट में, ES क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एच है, ठीक है। चलिए, रजिया मुस्कुराती है, कौन रजिया क्या करती है, मुस्कुराती है, रजिया स्माइल्स, रजिया मुस्कुराती है, तो रजिया स्माइल, स्माइल का हो जाएगा यहाँ पे स्माइल्स। चलिए, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, जो आई होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन होता है, आई बहुवचन में आता है, प्लूरल में आता है, इसलिए यहाँ पे आपको केवल रीड करना है, वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाता, हम पढ़ते हैं तो आई वी रीड हो जाता, मैं पढ़ता हूँ आई रीड हो जाएगा, वे पढ़ते हैं तो दे रीड, वह पढ़ती है सी रीड्स, वहाँ पे रीड्स हो जाएगा, जो ही सी होता है वो होता है सिंगुलर, यू दे वी आई, ये चारों जो होते हैं वो होते हैं प्लूरल, यानी कि बहुवचन होते हैं, इसमें आपको यस यस का प्रयोग क्रिया में नहीं करना होता है, ठीक है, जो केवल सिंगुलर चीज़ें होती हैं उसमें ही आपको एस या ई एस प्रयोग करना होता है। चलिए, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, कौन घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है कहाँ सड़क पर, हॉर्स, HORSE, हॉर्स रन्स ऑन द रोड, हॉर्स रन्स ऑन द रोड, क्योंकि जो हॉर्स है वो अकेला है इसलिए यहाँ पे रन्स हो गया, केवल एस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे रन में RUN है लास्ट में, मैंने बता दिया है बार बार नहीं कहूँगा, जिस वाक्य के लास्ट में ओ एक्स एच एस आए उसी में यस, अन्य सब में एस, अगर सिंगुलर बनाना हो तो यहाँ पे सिंगुलर आपको बनाना ही है, क्योंकि घोड़ा है जो अकेला है वो सड़क पर दौड़ता है, तो घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, जैसे यहाँ पे होता घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं तो हॉर्सेस रन हो जाता केवल, ठीक है ना, हॉर्सेस रन ऑन द रोड, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है तो हॉर्स रन्स ऑन द रोड। चलिए, कुत्ते रात में भौंकते हैं, कौन डॉग, डॉग बार्क्स इन द नाइट, चलिए, बार्क मीन्स होता है भौंकना, हवा बहती है, विंड मीन्स होता है हवा, हवा क्या करती है, हवा बहती है, विंड ब्लोज, जो हवा है वो अकेली है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ एस लगा, किस में, ब्लोज में, ब्लो में, तो ब्लो जो होती है, ब्लो मीन्स होता है बहाना, ठीक है, हवा बहने के लिए हम लिखते हैं ब्लो, और विंड मीन्स होती है हवा, तो
तो हवा बहना, जो हवा है वो अकेली है, इसलिए मैंने ब्लो के आगे एस लगा दिया, ये हो गया ब्लोज। तो विंड ब्लोज, तो हवा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लोज किया और यहाँ पे बहना का अर्थ आ गया, ठीक है ना, हवा बहती है तो विंड ब्लोज। चलिए आगे हो गए, मैंने इतने एग्जाम्पल थे हमारे पास, मैंने सारे एग्जाम्पल जो है क्लियर कर दिए हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सारी चीज़ें मैंने ये कवर कर दी है। और आगे जो मैं बनाऊंगा वीडियो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से किए जाते हैं, क्या वो मेरे घर में सोता है, क्या वह वहाँ नहीं रहती है, इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो सारे चीज़ें मैं आगे कवर कर दूँगा। और उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।